ये है K11 प्रोडक्शन और आप देख रहे हैं सिंहस्थ 2016 लाइव। पूरी तरह मगन है मां शिप्रा के आंचल में। आप बच्चों की तरह अठखेलियां कर रहे हैं, बड़े हैं या बुजुर्ग हैं, यहां पर सब दिखाई दे रहा है। एक बार जोरदार जयकार आप सब स्नान करने वाले लोगों से, जय जय मां शिप्रे, जय जय श्री महागौर। आप सभी श्रद्धालु जो यहां पर पधारे हैं, आप सभी का पुण्य सलीला मां शिप्रा के घाट पर स्वागत है। कुछ ही समय में वो समय आ रहा है जब हमने एक यहां पर जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है महानाद योग का, इसका संचालन करने के लिए गुरुदेव शक्तिपादाचार्य महामंडलेश्वर राजयोगी डॉक्टर नारदानंद जी महाराज साहब आपके बीच यहां पर पहुंच चुके हैं, पधार चुके हैं। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि जो भी श्रद्धालु आश्रम के अंदर कहीं भी बैठे हैं वो सब यहां प्रांगण में आ जाएं, और आप सभी श्रद्धालु जो घाट पर मौजूद हैं, जो बाहर मौजूद हैं, वो भी इस कार्यक्रम में यहां पर आकर सम्मिलित हो सकते हैं और उस ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, उस सकल ब्रह्मांड में व्याप्त होने वाली उस अद्भुत घटना के आप भी सहभागी बन सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं और साक्षी बन सकते हैं। तो आप भी यहां आमंत्रित हैं। यहां हमारे साथ राजयोगी शक्तिपादाचार्य डॉक्टर स्वामी नारदानंद जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार जो जोरदार जयकारा गुरुदेव के नाम का लगाएं, जय जय गुरुदेव, हर हर महादेव। तो ये जो गुंजन, ये जो आवाज आपकी यहां पर आ रही है, यही आवाज, यही नाद, महानाद यहां पर बनने जा रहा है। इस महानाद योग कार्यक्रम में आप सब भी घाट पर मौजूद जो भी श्रद्धालु हैं वो भी इसमें सहभागी बनेंगे। मंच पर उपस्थित गुरुदेव की वाणी से ओंकार का नाद होगा, ब्रह्म नाद होगा, महानाद होगा। उस नाद को आप भी पुण्य सलीला मां शिप्रा के तट पर ओंकार का नाद करें, ओम का नाद करें। यह जो कार्यक्रम हमने यहां पर आयोजित किया है महानाद योग का, यह कार्यक्रम बाबा महाकाल की नगरी को पृथ्वी के नाभि केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित करने हेतु, पुण्य सलीला मां शिप्रा के पुनर्जीवन के हेतु और मानव जगत के सकल मानव जगत के कल्याण के लिए यह कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। इसमें आप सभी अभी से कुछ देर बाद 11:11 पर एक साथ जहां हैं वहां से 11 मिनट तक ओंकार नाद करेंगे और इस महाअभियान को मूर्त रूप देकर सफल बनाएंगे। आप सभी इस कार्यक्रम के समर्थन में एक बार जोरदार जयकारा बाबा महाकाल का लगाएंगे, जय जय श्री महाकाल। और आप सब भी यहां आमंत्रित हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि इस अद्भुत अलौकिक और अनुपम घटना को विश्व के इस महान सिंहस्थ 2016 में घटित करने के लिए अपनी वाणी को संपूर्ण देवी देवताओं की शक्ति के साथ यहां से इस घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं पर अमृत वर्षा करें और ओंकार नाद का वो गुंजन करें
वो गुंजन करवाएं कि इस सकल ब्रह्मांड में धनात्मक ऊर्जा का ऐसा स्रोत पैदा हो जो यहां तक पहुंचे वापस और पुण्य सलीला मां शिप्रा पुनः कल कल करती बहने लगे। आदरणीय गुरुदेव को निवेदन करूंगा कि वे अपने आशीर्वचन हम सभी को दें और इस महानाद योग कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान करें। जय गुरुदेव, जय श्री महाकाल। एक बार फिर से जयकारा लगाएं, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, हर हर शिप्रे, हर हर शिप्रे, हर हर शिप्रे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ये हमारे भारत का उद्घोष है। ये जो अभी मैंने प्रार्थना की है, वेदों से ये हिस्सा लिया गया है और वेदों में मिलजुल करके करें, उससे एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार होता है, एक ऐसा वातावरण बनता है, एक ऐसा पॉजिटिव जो वातावरण बनता है, उससे सारे समाज का कल्याण होता है। इसी बात को लेकर के ये जो महाब्रह्मनाद का ब्रह्मनाद का जो कार्यक्रम यहां सिद्धाश्रम को जो केंद्र बना करके यहां किया जा रहा है, ये उसका ही एक हिस्सा है। इस कार्यक्रम में ओंकार नाथ से हम लोग समूचे जगत का कल्याण करेंगे, हम सब मिलकर के करेंगे। ऐसा कि मालूम है, आज विश्व के जो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट लोग हैं, उन्होंने भी ये सिद्ध किया है कि ओंकार नाद एक पॉजिटिव ऊर्जा देने वाला शब्द है। और ये तो आज ये लोग सिद्ध कर रहे हैं, हमारे भारत के अंदर हमारे ऋषियों ने इस चीज को हजारों साल पहले उन्होंने उसका आत्मसात किया है, उसको डिस्कवर किया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारे ऋषियों ने उसका निर्माण किया है या कोई बनाया है, ये चीज तो शाश्वत है। इसलिए इसको जो है शब्द ब्रह्म कहा है, अक्षर ब्रह्म कहा है और नाद ब्रह्म कहा है। ये नाद के रूप में जो है हमेशा सृष्टि के आदि में और अभी और अंत में ऐसा रहता ही है, और समय समय के रूप समय समय पर ये अक्षर ब्रह्म का रूप धारण कर लेता है, शब्द का जो ब्रह्म धारण शब्द का रूप धारण कर लेता है, लेकिन ये सनातन है, ये शाश्वत है। ये तो हम लोग इसी अक्षर ब्रह्म को लेकर के हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम लोग इस सारे दुनिया के अंदर एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा पैदा करेंगे जिससे हम लोग सबके अंदर से जो नेगेटिव ऊर्जा है वो सब समाप्त होगी। हम लोग जो है दैवत्व के ऊपर बढ़ेंगे की ओर बढ़ेंगे। हमारे अंदर जो नेगेटिव विचार हैं, आज आप देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर इतना ज्यादा स्वार्थ फैल गया है, आदमी एक दूसरे का शत्रु बन चुका है। एक घृणा नफरत, ये जो चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो देश के नाम पर हो, चाहे वो समाज के नाम पर हो या किसी जाति वर्ग विशेष के नाम पर हो, तो आप देखते हैं कि ये आपस में जो है ये एक भेद जो है बढ़ रहा है, और ऐसी ये ऊर्जा नेगेटिव जो है मतलब है जो मिल रही है, जिससे काफी मनुष्य के अंदर अशांति फैली हुई है। और उस अशांति को ये दूर करने के लिए एक ऐसा प्रयास है, और ये प्रयास आज का नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम आज नया कर रहे हैं। आज तो हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि सामूहिक रूप में कर रहे हैं, जिसमें करीब 40 से 50 लाख आदमी इसमें सम्मिलित होंगे पूरी दुनिया में। हमारे भी जितने
शिष्यगण हैं, भक्तगण हैं समूचे जो दुनिया के अंदर, मैंने सबको भी जो ईमेल भेज दिए हैं, सबको फेसबुक पर भेज दिया है, जो जो साधन है उनके ऊपर सूचना पहुंचाने के लिए वो सारे के सारे जो है उनको पूरी कोशिश की गई है कि वो अभी अपने भारतीय जो है समय के हिसाब से 11:11 पर और 11 सेकंड पर हमारे साथ सम्मिलित होकर के ओंकार नाथ का उच्चारण करेंगे। और ये एक अद्भुत घटना घटेगी, आप जो है पाएंगे आज से सभी लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा का एक विस्तार होगा। और आप ऐसा संकल्प करके जाएं, इस ओंकार नाथ के साथ में ऐसा संकल्प भी करें कि हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का विस्तार हो। और ये कार्यक्रम हो रहा है कहां, ये बहुत सारी विशेषताएं यहां उज्जैन के अंदर, ये बहुत ही सोच विचार करके इसका निर्णय लिया गया है। आपको सभी को मालूम है कि उज्जैन विश्व के नाभिक केंद्र पर बसा हुआ है, कर्क रेखा पर बसा हुआ है। अभी ठीक आज से एक महीने बाद 21 जून को सूर्य यहां 0 डिग्री में आ जाएगा और इसीलिए ये उज्जैन विश्व की काल का गणना का एक केंद्र रहा है। यहीं से हमारे भारतीय जो वैदिक जो ज्योतिष का यहीं से शुभारंभ हुआ था। आपको मालूम है सभी को, महाराज विक्रमादित्य के समय विक्रम संवत कहलाता है, आज भी एक देशों में ये चल रहा है। वहां नेपाल में तो एक तारीख तिथि इसी में जो है उपनी ऑफिशियल, अपने भारत के अंदर भी ऑफिशियल ये नहीं है ये अपना विक्रम संवत, लेकिन नेपाल में वहां ये ऑफिशियल रूप में जो प्रयोग किया जाता है। और हम तो ऐसी अपील करते हैं यहां की जो गवर्नमेंट है, यहां के जो नेतागण हैं, यहां के जो शासन प्रशासन के जो लोग हैं, वो यहां भी ऐसा प्रयास करें कि यहां भी ये जो काल गणना होती है अपने भारत के अंदर भी ऑफिशियल जो काम होता है वो भी विक्रम संवत नहीं हो। और इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, अपने यहां जो है मुहूर्त को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, समय को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, चंद्रमा को लेकर के हमारी जो तिथियां निर्धारित होती है कि चंद्रमा की स्थिति कैसी है, क्योंकि चंद्रमा से जो मन प्रभावित होता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा जो है मन जो है चंद्रमा से प्रभावित होता है। और चंद्रमा से ही नहीं, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, जितने भी जो अपने सौरमंडल के अंदर जो नक्षत्र ग्रह हैं वो सब मनुष्य के मन को प्रभावित करते हैं। इसलिए यदि कोई कार्य शुभ मुहूर्त में किया जाए तो उसमें ज्यादा सफलता प्राप्त होती है। अब समय की आप समझ जाएंगे इस बात को लेकर के कि समय कैसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब जैसे मैं उदाहरण देता हूं, जैसे यदि आपको लोहे को कोई अगर सही फॉर्म देना है तो उसको लाल अगर हो जाए तो उस समय अगर आप कोई फॉर्म देंगे तो आसानी से वो पकड़ लेगा, और अगर वो ठंडा है तो वो असंभव है। तो इसलिए समय को विशेष महत्व दिया जाता है। और यहां उज्जैन में आप सब लोग ऐसे शुभ अवसर पर आए हैं, महाकुंभ के समय संघर्ष है, और इस संघर्ष में जहां ऐसे ही लाखों की तादाद में लोग यहां उपस्थित हैं, करोड़ों की तादाद में लोग उपस्थित हैं, तो यहां यदि ये नाद शब्द का उच्चारण यदि सभी लोग मिलकर के करेंगे तो ये और ज्यादा ऊर्जा जो है मल्टीप्लाई होगी। और इससे ऐसा नहीं कि हमारा ही भला होगा, आपके अंदर जो है सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होगा, और इसके अलावा जो है जितने भी पशु पक्षी हैं वो भी। और आज ये चीज सिद्ध हो चुकी है कि शब्द से पशु पक्षी भी प्रभावित होते हैं, संगीत से पशु पक्षी भी प्रभावित होते हैं। आपने सुना होगा बहुत बड़े सितार वादक हुए हैं रविशंकर जी, उन्होंने ये कनाडा में सिद्ध कर दिया है कि पशु पक्षी ही नहीं, ये प्रकृति, ये पेड़ पौधे, ये सब जो है संगीत से और शब्द से प्रभावित होते हैं। और ये जो शब्द है ओंकार, ये शब्द ये अनादि है और ये हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा देता रहा है। और इस मंत्र जितने भी मंत्र हैं सबके पहले जो है ओंकार शब्द ही रखा जाता है, यदि ओंकार शब्द ना हो तो
तो कोई भी मंत्र पूरा नहीं होता है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि विश्व की जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, विश्व के जितने भी मंत्र हैं, उनकी अपनी प्रार्थनाएं हैं, वहां कहीं ना कहीं वो ओंकार शब्द छुपा हुआ है ना। आपने जो है देखा होगा, अपना सुना होगा, जो इस्लाम के अंदर जो लोग अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह हू, तो आ गया और हु में जो है मां और ऊ आ गया। तो इस तरह से मैं एक उदाहरण दिया आपको, जितने भी विश्व के धर्म हैं, जितने भी विश्व की विधाएं हैं, जो अध्यात्म की तरफ ले जाती हैं, जो मनुष्य को मनुष्यता की तरफ ले जाती हैं, उन सब विधाओं में कहीं ना कहीं ओंकार शब्द का प्रयोग होता है। तो यहां ये आपके जगत कल्याण के लिए, यहां हमारे पास में जो विराजमान खड़े हुए हैं कौशिक जी, इनका सारा प्रयास है इसके लिए। तो इन्होंने जो है सारे जो जितने भी जो है यहाँ के बड़े बड़े जो है महापुरुष हैं, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर और भी जो विधाओं के बड़े बड़े जो ज्ञाता हैं, उन सब लोगों से संपर्क किया, और भी जो यहाँ के जो नेतागण हैं, जो शासन प्रशासन में हैं, उनसे भी जो है संपर्क किया, और इस कार्यक्रम को बुलंदता देने की पूरी उन्होंने कोशिश की। और आज हम देख रहे हैं, हमारे पास कल इतने मेल आए कि मैं पढ़ नहीं सकता हूं, मेरे पास समय नहीं कि मैं पढ़ूं। और लोग पूछ रहे हैं कि भाई कितने बजे होगा, क्या होगा, तो मैं अपने लोगों को कहा मैंने कि भाई इनको सामूहिक रूप से इनको उत्तर दे दो सारा, क्योंकि ये इतने कहां तक जो है, हम हजारों की तादाद में जो मेल है, कहां तक उनका जवाब देंगे, क्या करेंगे। तो मतलब ये है कि यही नहीं, सारे विश्व के अंदर इसका इसके लिए बहुत ज्यादा उत्साह है। तो ये अपने आप अद्भुत चीज होने जा रही है। और आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग तो यहां उज्जैन में ही मौजूद हैं। तो ये तो आपके कोई पूर्व जन्म के जो है पुण्य है, आप लोग यहां मौजूद हैं, और मौजूद होकर के एक प्रैक्टिकल रूप में आप लोग साथ में जो है खड़े होकर के, यदि जो इस नाथ महान नाद योग में इसमें आप लोग सम्मिलित होंगे, तो ये मनुष्य जाति का ही नहीं, ये पशुओं का भी नहीं, ये पृथ्वी, बहुत सारे शब्दों के बारे में जो है कहा गया है कि वो अभी भी बह रही है। आज से 5000 साल पहले महाभारत हुआ था, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश सुनाया था, उसकी भी धाराएं बह रही है। तो इस सामूहिक जो महानाथ का जो उच्चारण होगा, तो उसकी जो धाराएं जिस सामूहिक रूप से बहेंगी, वो इतनी स्ट्रांग होंगी कि वो अपने जो है सौरमंडल से निकल के बाहर दूसरे जो है सौरमंडल तक पहुंचेंगे, और उनको भी जो है एक सपोर्टिव, एक सकारात्मक ऊर्जा जो प्रदान करेंगी। तो मैं अपनी यही वाणी को विराम दूंगा, और मैं कहूंगा कि आप सब लोग मिलकर के हमारे साथ, जब तक 11 नहीं बजते हैं, 11:11 और 11 सेकंड नहीं होते हैं, जब तक ओम नमः शिवाय ध्वनि का हम लोग सब साथ में जो है गाएंगे और श्रवण करेंगे। ओम नमः शिवाय। घाट पर मौजूद सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि कृपया एक बार जोरदार जयकारा बाबा महाकाल का लगाएं, और ओम नमः शिवाय की ये ध्वनि जो है स्वामी प्रणवानंद जी के मुख के साथ साथ आप लोग भी लहर बनाकर इसको आगे तक चलने दें, ताकि हर आदमी गुनगुनाता हुआ ओम नमः शिवाय के साथ ये पुण्यशाली लमा शिप्रा के तट पर स्नान करे, ध्यान करे। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय जय मां शिप्रे, जय मां शिप्रे, ओम नमः शिवाय, 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 ओम
घाट पर मौजूद सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि कृपया वो भी ये शिव का जाप करें और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो, लहर बनाकर ये जाप राम घाट से भी आगे तक पहुंचने दे। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। घाट पर मौजूद आप सभी श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन है कि कृपया पुण्य सलिला माँ शिप्रा के तट पर आप आए हैं, स्नान ध्यान करें, मगर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए यहाँ से आगे चलते रहें, एक दूसरे को भी प्रेरित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए करें, पुण्य लाभ में वृद्धि करें। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। और इसी के साथ समय होने जा रहा है 11:11। आप सभी श्रद्धालु जो यहां घाट पर मौजूद हैं, राम घाट पर, नरसिंह घाट पर, घाट के उस पार, पुल के इस पार, जहां जहां तक मेरी वाणी जा रही है और मंच से ये आवाज आप सुन पा रहे हैं, आप सब एक साथ ओंकार का नाद गाएं। 11:11। पुण्य सलिला मां शिप्रा के तट पर आपको अपनी मां के लिए ये ओंकार नाद करना है। बाबा मां है, बोलिए बाबा महाकाल की जय। ओ ओ
भाई दोनों हाथ उठाकर समर्थन करें साधु संत। ओ आप यही रुक करके ओंकार नाद करें।
माँ की वाणी पहुंच रही है, साधु संतों से भी निवेदन है, तो आ जा रहे साधु संत भी। कार्यक्रम संपन्न हुआ और जो भी इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए आप सब लोगों का जो सहयोग हमको मिला, मैं आप सबका आभारी हूं। और ये जो मशाल ये जली है इस सिद्धाश्रम से, मैं चाहता हूं कि ये मशाल जो है घर घर, घर घर ही नहीं, ये सारे जो है विश्व ब्रह्मांड में फैले। और इस मशाल को आप जला के जाओ। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस मशाल को आप कायम रखें और इसको बढ़ाएं, और प्रतिदिन आप लोग जब भी समय मिले 10 मिनट तक इस महानाद योग का, इस ओंकार नाद का उच्चारण करें। आप ज्यादा से ज्यादा एक 8-10 दिन के अंदर अपने अंदर खुद ही ये आप महसूस करेंगे कि कितना जो है एक पॉजिटिव ऊर्जा का एक स्रोत जो है आपके अंदर बन रहा है। आपके विचारों में जो फर्क आएगा, आपके शरीर के रोगों को भी दूर करता है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, किसी को अर्थराइटिस की शिकायत है, किसी को जो हार्ट अटैक हो रहा है, या किसी को और भी कोई ट्यूमर जो है शरीर के अंदर हो गया है, आप लोग यदि जो है ओंकार नाथ का 10-11 मिनट, यदि आप उस 10-15 मिनट यदि उसका उच्चारण रोज नित्य प्रति सुबह शाम करें, तो आप पाएंगे कि आपके इन रोगों में बहुत ज्यादा आपको आराम मिलेगा। और
रोगों में ही नहीं आपके आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। तो इस मसाल को आप कायम रखें और घर घर जन जन तक जो है पहुंचाने के प्रयास करें। मैं अपनी वाणी को विराम दे करके मैं कौशिक जी को कहूंगा कि आगे मंच का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो क्या गुरुदेव को प्रेषित करें, हम आप ही के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम यहां पर सफल हुआ है। आप सभी पधारे हुए घाट पे साधुओं का, श्रद्धालुओं का, और यहां मंच पर उपस्थित आप सभी देश और विदेश से आए हुए अतिथियों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बाबा महाकाल की इस नगरी के महात्म्य को समझा, इस उज्जैनी के महात्म्य को समझा और इसे काल गणना के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने के हेतु, सकल विश्व के काल गणना के मुख्य केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु, पृथ्वी के नाभि केंद्र के रूप में वैश्विक रूप से प्रतिष्ठित करने हेतु और पुण्य सलिला मां शिप्रा के पुनर्जीवन और पुनरुत्थान हेतु तथा साथ ही साथ सकल विश्व के मंगल कल्याण हेतु आप लोगों ने जो ये यहां पर महानाद योग का आयोजन हमारा सफल किया है, ओंकारनाथ का ये जो गुंजन आपने धनात्मक ऊर्जा के साथ अपनी पॉजिटिविटी के साथ में यहां से ये जो उच्चारण किया है, निश्चित रूप से ये ब्रह्मांड में फैलेगा और हजार लाख करोड़ गुना पॉजिटिव एनर्जी वापस लेकर कर ये रिटर्न आएगा और यहां सृष्टि में मानव कल्याण करेगा। आप सबने हमारा इस कार्यक्रम में सहयोग किया, हम हृदय से संपूर्ण मध्य प्रदेश वासियों की ओर से, उज्जैन वासियों की ओर से, सिद्धाश्रम वासियों की ओर से, K11 प्रोडक्शन की टीम की ओर से, समस्त भारतवासियों की ओर से आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और मां पुण्य सलीला शिप्रा से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं बाबा महाकाल से कि आप पर असीम अनुकंपा उनकी बनी रहे और आप निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें, आप प्रगति के सभी सोपान चढ़े, यही मंगल कामना आप सभी घाट पर पधारे हुए श्रद्धालुओं और अतिथियों के लिए हम व्यक्त करते हैं। मैं आदरणीय प्रणवानंद जी से निवेदन करूंगा कि सत्या मां को थोड़ा सा यहां लाएं, दो शब्द अगर सत्या मां इस बारे में यहां कहें। आप ब्राजील से पधारी हैं, सम वर्ड्स फ्रॉम योर साइड व्हाट एवर यू लाइक। Hari Om for everybody. God bless all of you. Thank you so much for receiving all of us here in India in this special Kumbh Mela in Ujjain. Thank you Swami Nardanand Ji Maharaj, my lovely Guruji. मैंने यहाँ पर सत्या माँ को आमंत्रित किया। आप सोच रहे होंगे कि सत्या माँ का नाम तो हिंदुस्तानी लग रहा है मगर उनका चेहरा विदेशी है, वे ब्राजील से आई हैं और इसी से श्रीदेवी माता जी उनका अब नाम मां सत्या जो है ब्राजील से आई हुई हैं और इसी सिंहस्थ 2016 के अंतर्गत ही इसी दौरान ही उन्होंने गुरुदेव से दीक्षा लेकर संन्यास ग्रहण किया है और वो आप सब यहां महीने भर से सिंहस्थ में वो यहां पर जो पुण्य लाभ अर्जित कर रही है, जो ऊर्जा का अनुभव कर रही है उसके लिए वो कृतज्ञ है महाराज जी की और हम सभी उज्जैन वासियों की। और हमारे बीच श्री देवी जी साध्वी श्री देवी जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं दो आशीर्वचन आपसे भी चाहूंगा कि वे हमें यहां पर आशीर्वाद स्वरूप दो वचन कहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे महाराज की जायो। आई लव यू स्वामी जी, नथिंग मोर। मैं ज्योति मां से निवेदन करूंगा कि उन्होंने पूरे सिंहस्थ में यहां सिद्धाश्रम में पूरी व्यवस्थाएं यहां पर संभाल कर रखी हैं और शी हैज टेकन ऑल ओवर, द डिवोटीज आर कमिंग फ्रॉम all over India and other countries. You are service very well, well done, you serve to in Sihas. So we are
all of you, thankful to you. Please say something about the Sihast and Mahanad Yod. Hari Om, everybody. It is really God's grace that I can be here to serve Guruji, to serve the people. And it's such a special event. So many millions of people getting together to worship God is the most phenomenal thing I have ever seen. And I just want to thank Guruji for his grace so that I could be here and to serve. Thank you. Hari Om. Hello. अब मैं आदरणीय शाश्वत जी महाराज साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया वे अपने आशीर्वचन दें। जो अभी हम ओमकार का जो ध्वनि उच्चारण की नाद का, ये सनातन और अनादि है। ये हम सब उस परम सत्ता से जुड़ने के लिए हम सब एकजुट होकर ये अब हमेशा निरंतर चलाए रखे, इस ध्वनि में लीन हो जाए और उस सनातन उस परम सत्ता में विलीन हो जाए। अपने आप को जो भूले हुए हैं उस भूल को मिटाए, जो अज्ञानतावश अपने को कुछ की कुछ मान बैठे इस भूल को मिटाए और अपने निज स्वरूप में स्थिर हो जाए, जो सनातन है, जो ओमकार है, ओमकार स्वरूप उस परम सत्ता में विलीन हो जाए। जो हमारा अपना निज स्वरूप है वही हम है, लेकिन हम अज्ञानतावश भूले हुए हैं। उस भूल को मिटाने के लिए ये ओमकार ध्वनि बहुत ही उत्तम है, जो हमें हमेशा हमेशा के लिए उस भूल से मिटा सकता है। इसलिए इस ब्रह्मांड के और इस जगत के, इस देश के सभी जीव चराचर देशवासी इसका ओमकार का उच्चारण करें, ताकि सबको लाभ मिले, सबको शांति मिले और सब अपने आप से जुड़े स्वयं से और परम सत्ता से। हरिओम। मैं डॉक्टर रीता जी शर्मा, जो योग में उन्होंने PhD किया है, मैं उनसे भी कहूंगा कि आप भी कुछ शब्द ओंकारनाथ के विषय में बोलें, या जो भी उनको कुछ शब्द कहना है कहें। ओम। अभी गुरुजी ने विस्तार से बताया, जी नाभि, जी फोर जनरेट एंड सी फोर क्रिएट हृदय एंड डी फोर डिसिप्लिन मस्तिष्क, GOD एंड दी सेकंड पोजिशन ए फोर अल्लाह, ऊ फोर उलेमा और मैं फोर मोहम्मद ओम। इसलिए सभी संप्रदायों को, सभी पूजा पत्तियों को एक मिलाकर के महानाद का जो योग किया गया, ये सारे विश्व के कल्याण के लिए आपके चरणबिंदों में सबको सफलता और शांति प्रदान करें। ओम हरिओम। हरिओम स्वामी शाश्वत। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, आपने महानाद के लिए जो सहयोग किया उसके लिए हमारा हृदय से आप सभी का धन्यवाद है। और मैं थोड़ा सा ओमकार के बारे में कहना चाहूंगी कि ओमकार शब्द जो है वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, यह ईश्वर का प्रतीक है। तस्य वाचक प्रणव, यह प्रणव है, यह ईश्वर का प्रतीक है। जब दो कण आपस में मिलते हैं तो और वो टकराते हैं तो एक आवाज उत्पन्न होती है, लेकिन जब दो कण आपस में नहीं मिलते हैं और किसी भी टकराहट के बिना जो ब्रह्मांड की स्वाभाविक आवाज है, स्वाभाविक शब्द है, वह ओमकार है, उसे हम ओम कहते हैं। और यदि हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम अपने इष्ट देवता का ध्यान कर रहे हैं और ओमकार उसी का ही प्रतीक है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ओमकार का आप रोजाना जप करें और आप अपनी ऊर्जा को दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ महसूस करेंगे और यह धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा जो है वह सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होती जाएगी। आदरणीय धन्यवाद परम पूज्य स्वामी शांतानंद जी महाराज सरस्वती, जो कि अमेरिका से पधारे हुए हैं। मैं महाराज जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी कुछ शब्द इस कार्यक्रम के बारे में और महानाथ के
विषय में कुछ कहें और आशीर्वचन दें। हम सबका प्यारे भाई बहनों, परम सौभाग्य है कि ऐसे महापर्व पर उज्जैन नगरी पधारे हैं, और उसमें भी कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे महामंडलेश्वर श्री स्वामी नारदानंद जी महाराज के तत्वावधान में, सिद्धाश्रम में, कौशिक जी के निमित्त से महानाद का यह सुंदर महायज्ञ संपादित हुआ। केवल एक मिनट के लिए अगर आप गहरे में अपने में डूब सके आज अभी और यहीं, कि आप कितने भाग्यशाली हैं। यह आपका एक मिनट हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा और आपको सुख शांति प्रदान करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके मंगल की कामना करता हुआ मैं आपके प्रणाम करता हूं। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और ये जो महानाद योग का कार्यक्रम हमने यहां पर आयोजित किया, इसमें हमें डॉक्टर स्वामी रघुनाथनंद जी अवधूत जी महाराज साहब, डॉक्टर महान क्रिया योगी डॉक्टर स्वामी रघुनाथनंद जी अवधूत जी महाराज का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ। डॉक्टर स्वामी नारदानंद जी महाराज साहब के इस आशीर्वाद से हम ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित कर पाए। और मकनकेश्वरी देवी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, रमेश मेंदोला जी, आकाश विजयवर्गीय जी के सहयोग से हम इस कार्यक्रम को यहां तक सफलतापूर्वक लेकर आए। आदरणीय श्रीपाद नाइक जी, माननीय केंद्रीय आयुष मंत्री, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले थे, मगर कल ही रात को वे जिनेवा से लौटे हैं और आज सुबह उनकी कुछ विशेष मीटिंग दिल्ली में होने के कारण वे शाम तक यहां पहुंचेंगे, ऐसी हमें सूचना प्राप्त हुई है। क्योंकि सिंहस्थ की कई सारी व्यस्तताएं हैं तो बहुत सारे अतिथि हमारे यहां नहीं पहुंच पाए हैं। हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूरे इस महानाद कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए लोगों का, हमारे K11 प्रोडक्शन की टीम का, जिन्होंने यहां पर आंधी तूफान बारिश में भी मेरे क्रोध का शिकार होते हुए भी गुरुजी, और तमाम बहुत सारी असुविधाओं और बहुत सारे संघर्ष के बाद भी हम इस कार्यक्रम को यहां तक लेकर आए, और सब लोगों के जो ये सहयोग हमें मिला उस सब के लिए मैं पूरे K11 प्रोडक्शन की हमारी टीम की ओर से, अपने स्वयं की ओर से आप सबका हृदय के अंतिम छोर से आभारी हूं, और कृतज्ञता पूर्वक आप सभी के यहां पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं के, साधु संतों के, ऋषि मुनियों के, अतिथियों के श्री चरणों में अपना वंदन करता हूं कि आपने ये सकल ब्रह्मांड में जो ऊर्जा व्याप्त करने का जो नाद है, आदि अनादि अनंत का ब्रह्मांड का जो ये पहला नाद है, ओंकार शब्द का नाद, इसे आपने ब्रह्मांड में एक साथ यहां से गुंजायमान कराया, मेरी भावनाओं को समझा, आप सबके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हूं। धन्यवाद। जय श्री महागौल। जय श्री महा। आप सब भी घाट पर मौजूद आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि कृपया जोरदार जयकारा बाबा महाकाल का लगा दें, गुरुदेव के लिए, बाबा महाकाल के लिए, इस महानाद योग के लिए। जय जय श्री महागौर। जय जय श्री महागौर। अब मैं आदरणीय प्रणवानंद जी महाराज साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया वे इस कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन कर इस कार्यक्रम को यहां अभी इस समय के लिए विराम दें और निरंतरता के लिए नए आयाम दें। स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, जो कि इस महानाद ओंकारनाद के ही प्रतीक स्वरूप है, प्रणव हैं आप, आप ही से इस कार्यक्रम का आभार हो और साभार हो। जय जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी, और सब प्रथम मैं महाराज श्री चरणों के प्रणाम करता हूं, और यहां पर सभी मंच पर आसीन सभी देश विदेश से आए हुए भक्त जनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और यहां पर घाट पर भी सभी लोग जो ओमकार नाथ का सहयोग किए हैं उनको सभी को मैं धन्यवाद देता हूं।
और यही प्रार्थना करता हूं सभी से कि जो मशाल यहां से जली है ओमकार नाथ की, महायोग नाथ की, वो हमेशा चलती रहे। सभी सबसे निवेदन है कि सभी लोग कम से कम, महाराज श्री ने जो आप सभी को लोगों को कहा है कि कम से कम 10 मिनट अपने आप को दीजिए और अपने सुख शांति को पाइए अपने घर में। तो आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग कम से कम 10 मिनट तक ओमकार नाथ योग करें। और इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद देते हुए महाराज श्री के चरणों में, महाकाल महाराज के श्री चरणों में, माँ हरसिद्धि के चरणों में, माँ क्षिप्रा महारानी के चरणों में वंदन करता हूँ। कौशिक जी को धन्यवाद देता हूँ, सभी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छी तरह से इस कार्यक्रम को पूर्ण किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज जी को भी श्री चरणों में प्रणाम, जो उन्होंने अपने आशीर्वचन इस सभी को कहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। जय महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल।